हाँ भाई, तो लास्ट वाला अफवाह तंत्र है अपना, ठीक है, गोदावरी अफवाह तंत्र, मतलब ड्रेनेज सिस्टम। और छत्तीसगढ़ का सेकंड सबसे बड़ा कितना परसेंट? 28.64%, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन करता है गोदावरी अफवाह तंत्र, ठीक है। अगर आप देखोगे ये जो अफवाह तंत्र है, अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप उठा के देखोगे तो छत्तीसगढ़ के मैप में, ठीक है, जो आपका दंडकारण्य वाला एरिया है, दंडकारण्य का पठार, ठीक है, खासकर तुम्हारा कौन सा, फिर से आ जाओ इसको लेके, ठीक है, खासकर कौन सा तुम्हारा, बस्तर संभाग, बस्तर संभाग वाला इलाका, ये दंडकारण्य का पठार, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो एरिया है आपका, ये एरिया पूरा किस में आता है? गोदावरी अफवाह तंत्र में। महानदी अफवाह तंत्र सेंट्रल वाला पोर्शन था, सोनगंगा ये ऊपर वाला था, नर्मदा वाला इधर पे था, ठीक है, ब्राह्मणी वाला इधर पे था, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है ये आपका गोदावरी अफवाह तंत्र में आ रहा है। क्यों नाम इसका गोदावरी अफवाह तंत्र रखा गया? क्योंकि यहाँ की कोई नदी समुद्र में जाके डायरेक्टली नहीं मिल रही। जैसे महानदी क्यों नाम रखा गया था? महानदी इकलौती छत्तीसगढ़ की नदी है जो कि छत्तीसगढ़ में ओरिजिन होता है जिसका, और जो उड़ीसा होते हुए कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। मगर छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी नदी दूसरी नहीं है जो छत्तीसगढ़ में ओरिजिन करे और जाके समुद्र में गिरे, ठीक है। तो क्योंकि गोदावरी नदी आपकी महाराष्ट्र से आ रही है, त्र्यंबकेश्वर तरफ से, ठीक है, गोदावरी नदी जिसमें शूर्पणखा की नाक को काट के लक्ष्मण जी ने डाले थे, वही गोदावरी नदी, ठीक है। तो वो जो गोदावरी नदी आपकी आ रही है, उस गोदावरी नदी में अभी एक बहुत, यहाँ क्योंकि गोदावरी नदी देख रहे हो, ये तुमको ये दिख रही गोदावरी नदी, ठीक है, ये इधर से जो वैनगंगा आती है बालाघाट तरफ से, जो ये वैनगंगा में आके कहाँ मिलती है? गोदावरी में आके मिलती है वैनगंगा। इसी वैनगंगा में बाघ नदी आके मिल जाती है, इधर तरफ तुम जाना गोंदिया तरफ, ऐसे जाओगे तो बाघ नदी बीच में आएगी, नागपुर तरफ जाते समय गोंदिया ऐसे इस तरफ जाओगे तो वैनगंगा बाघ नदी, इस तरफ जो आप बालाघाट तरफ जाओगे बाघ नदी वैनगंगा आती है, ठीक है। ये देखो वैनगंगा भी आपके कहाँ आके मिल जा रही है? गोदावरी में आके मिल जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ के एकदम नीचे से जा रही गोदावरी, ये यहीं पे एक पोलावरम डैम बनने का था, बन रहा है, ठीक है, अभी करंट अफेयर देखना पड़ेगा। तो इस पोलावरम में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे, कौन कौन सी स्टेट के बीच में? छत्तीसगढ़ तेलंगाना, खासकर छत्तीसगढ़ तेलंगाना, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी थी पानी को लेके। भाई पानी को लेके बहुत बड़ी, तुम लोग चीज़ समझते नहीं, पानी बहुत बड़ा इशू है। तुम लोग ऐसे जाके नल खोल देते हो, ब्रश करते रहे हो, नल चल रहा है, पानी बहुत आगे चल के पानी बहुत बड़ी समस्या बनेगा, अभी देख लेना, इस गर्मी में भी देख लेना, ठीक है, पीने का पानी बहुत कम है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब ये जो नदी आ रही है आपकी, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी में आपकी छत्तीसगढ़ की नदियाँ आके मिलेंगी। कौन सी दो छत्तीसगढ़ की नदी आके मिलेगी? एक आपकी मिलेगी इंद्रावती और एक आपकी मिलेगी शबरी, ठीक है। ये देखो इधर से इंद्रावती जा रही है, ये देखो इंद्रावती, और इंद्रावती भी उड़ीसा से निकली है, इंद्रावती भी आपकी मुंगेर की पहाड़ी उड़ीसा निकली है, समझ रहे हो, इंद्रावती शबरी दोनों नदी उड़ीसा से निकली है, इंद्रावती और तुम्हारी शबरी, नीचे शबरी, ठीक है, ये देखो शबरी यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये शबरी एकदम बॉर्डर को टच करते आ रही है, ये बस्तर और सुकमा को, बस्तर और सुकमा में फ्लो है इसका, ये देखो ये शबरी आई। एकमात्र जो नेविगेशन होता है छत्तीसगढ़ में वो शबरी नदी पे होता है, नेविगेशन मतलब समझते हो ना, जिसमें जहाज वगैरह चलते हैं वो आपकी शबरी नदी पे होता है, ठीक है, शबरी नदी पे होता है। आप देख सकते हो इंद्रावती ये ऐसे बीच में, जैसे बीच से जा रही है, ऐसे ऐसे बीच से जा रही है, इस तरफ ईस्ट तरफ जा रही है, सॉरी वेस्ट तरफ जा रही है, वेस्ट तरफ, और ये वेस्ट तरफ इंद्रावती जाके इधर भद्रकाली नाम की एक जगह है वहाँ पे जाके मिल जाएगी, किससे? गोदावरी से मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? गोदावरी से मिल जाएगी, इंद्रावती गोदावरी से जाके मिल जाएगी,
दिख रहा है, ठीक है। ये देखो इंद्रावती बस्तर से होके, दंतेवाड़ा से होके, बीजापुर से होके भद्रकाली नाम की जगह वहां पे गोदावरी से मिल जाएगी। इंद्रावती का पुराना नाम मंदाकिनी था, पढ़ेंगे अभी सब हम लोग। 264 किलोमीटर की है, 264 किलोमीटर, ठीक है। अब इस इंद्रावती की बहुत सारी सहायक नदी है, वो अपने को देखना है। कुछ सहायक नदी ऊपर से आ रही, ऊपर मतलब नॉर्थ से आ रही है, और कुछ साउथ से आ रही है। इधर तरफ ना इस एरिया में ज्यादा नाम तुमको साउथ के नाम टाइप दिखेंगे, क्योंकि पूरा साउथ का इन्फ्लुएंस है। चितावागु इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से नाम दिखेंगे यहाँ पे तुमको साउथ के, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है ऊपर से कुछ नदी आ रही है। एक और क्वेश्चन आता है कि इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है आपकी कोटरी नदी। राजहरा पहाड़ी से निकली कोटरी नदी कांकेर से, ठीक है। एक विद्रोह हुआ था उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ोगे। कोटरी नदी कहाँ गया, कांकेर, यहाँ से आपकी कोटरी नदी आई है कांकेर से, ठीक है। और ये कांकेर से आई है कोटरी नदी, और ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी। निब्रा, निब्रा दिख रही है, ये देखो निब्रा, ये निब्रा, ये निब्रा आके मिली है। गुड्रा, यहीं पे गुड्रा, ये गुड्रा आके मिली है। कोंडा गांव से दो नदी आई हैं, एक नारंगी और एक बोल्डिंग। नारंगी, नारंगी के किनारे कोंडा गांव है तुम्हारा, कोंडा गांव शहर नारंगी नदी के किनारे है। तो ये नारंगी, ठीक है, और बोल्डिंग, नारंगी, बोल्डिंग, निब्रा, गुड्रा, कोटरी, ये ऊपर तरफ से आ रही है, उत्तर की ओर से आ रही है। और नीचे से कौन सी आ रही है, दक्षिण की ओर से, चितावागु, तालपेरू, डंकनी शंकनी। चितावागु, तालपेरू, डंकनी शंकनी, ये बीजापुर से आ रही है दो, चितावागु, तालपेरू और डंकनी शंकनी दंतेवाड़ा। शंकनी तुम्हारा बैला डीला से निकलती है, जो कि सबसे प्रदूषित नदी। शबरी नदी भी तुम्हारी इधर उड़ीसा से निकली है, क्लियर। अब थोड़ा बोर्ड में देखते हैं, तो लिखो भाई इंद्रावती, इंद्रावती इंद्रावती कहां से निकली है, मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। क्यों वर्षा, कोई है डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी करके, होगी छोगी, कालाहांडी, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से कौन सी निकली है, इंद्रावती। इसका पुराना नाम है मंदाकिनी, पुराना नाम क्या है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। एक हीरोइन थी ना मंदाकिनी करके, ठीक, पुरानी हीरोइन थी, ठीक है, थे ना उस समय तुम लोग पैदा हुए थे ना उस टाइम पे, मंदाकिनी नहीं पता वो भी, मंदाकिनी, ठीक है। तो मंदाकिनी इसका क्या है, पुराना नाम है, ठीक है, मंदाकिनी नदी। और ये कितने किलोमीटर की है, 264 किलोमीटर। इतना सब याद नहीं रखना, कहाँ से निकली बस ये याद रखो, मुंगेर की पहाड़ी कहाँ से, उड़ीसा से। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। और कहाँ कहाँ से होके, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है ये, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इधर बताया मैंने, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, दिख रहा है तुमको यहाँ, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। इसी नदी पे सबसे फेमस छत्तीसगढ़ का वाटरफॉल है, तीरथगढ़ नहीं है, कौन सा फेमस है, चित्रकूट, कौन सा है इस पे, चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का नायग्रा किसको कहा गया है, चित्रकूट। नायग्रा क्यों बोला गया है, नायग्रा जैसा दिखता है, चौड़ा भी है, नायग्रा जैसा दिखता है। कहाँ पे है नायग्रा, कनाडा में है, ठीक है, फोटो देख लेना, हाँ
और कनाडा और यूएस के भी गई थी कनाडा प्रीति? नहीं। अच्छा, तो चित्रकूट जो है वो आपका क्या है, छत्तीसगढ़ का नायग्रा, छत्तीसगढ़ का नायग्रा, जैसे छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट, वैसे छत्तीसगढ़ का नायग्रा चित्रकूट, चित्रकूट ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज ही ठीक है, और छत्तीसगढ़ का खजुराहो होरा भी ठीक है। तो लिख लिए, इंद्रावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल देख के आना कभी, बस्तर में है ठीक है, चित्रकूट। इंद्रावती नदी किस ओर बह रही है, ये क्वेश्चन आया तो मैप से बता सकते हो, इस साइड क्या है, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की ओर, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की ओर जा रही है ना, इधर आपका ईस्ट है, इधर ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और ये वेस्ट। महानदी किस ओर बह रही थी, तो इससे क्या मैं बोल सकता हूँ, दंडकारण्य के जो पठार है उसका फ्लो ढलान किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ, मगर महानदी का किस तरफ था, तो मतलब जो सेंट्रल वाला पोर्शन है उसका ढलान किस तरफ था, ईस्ट की तरफ। पानी किस तरफ फ्लो हो रहा है उस हिसाब से आप बता सकते हो ढलान किस तरफ है, तो अब यहाँ पे ढलान किस तरफ है, वेस्ट की तरफ, क्योंकि इंद्रावती नदी वेस्ट की तरफ जा रही है। क्लियर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, जगदलपुर सॉरी दंतेवाड़ा, बस्तर दंतेवाड़ा और बीजापुर, इन तीन डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है ठीक है। अब आ जाओ भाई इसकी सहायक नदी पे, सहायक नदी पे आ जाओ, तो उत्तर की ओर से सहायक नदी कौन सी है, नॉर्थ की तरफ से जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी है, नारंगी, बोल्डिंग, गुडरा, निब्रा, कोटरी। कोटरी नदी इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोटरी रिवर जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी, क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। समझ पा रहे हो जी, क्वेश्चन आया है, अब लिखो कहाँ से निकली है कोटरी नदी, राजहरा की पहाड़ी, कहाँ से निकली है, राजहरा की पहाड़ी कांकेर से, राजहरा की पहाड़ी कांकेर, राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी कांकेर से निकली है। इसी का पुराना नाम परलकोट, इसी का पुराना नाम परलकोट था, इसीलिए तुम लोग सुने होंगे परलकोट विद्रोह, पढ़ोगे हिस्ट्री में इसी का, क्योंकि इसके किनारे हुआ था वो। इसी का पुराना नाम क्या है, परलकोट, परलकोट ठीक है, राजहरा की पहाड़ी से निकली है ठीक है, कांकेर ठीक है, और बीजापुर में जाके मिल जाती है ये इंद्रावती, इंद्रावती से ठीक है। नेक्स्ट लिखो नारंगी, नेक्स्ट लिखो नारंगी, नेक्स्ट लिखो नारंगी, ये माकड़ी में निकली है भाई, माकड़ी, 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 माकड़ी करके एक ढाबा भी है, बहुत फेमस ढाबा है, अगर जाओगे बस्तर तरफ बाई रोड जाओगे तो एक बहुत फेमस ढाबा है, कभी वहाँ पे खाना या चाय पीना ठीक है। तो माकड़ी, तो ये माकड़ी कोंडा गांव में जगह है, इस कोंडा गांव से आपकी कौन सी नदी निकली है, नारंगी, नारंगी ठीक है, माकड़ी से क्या निकली है, नारंगी रिवर निकली है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कोंडा गांव से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कोंडा गांव से, कोंडा गांव से निकली है, और इसी नदी के किनारे कोंडा गांव शहर बसा है, इसी नदी के किनारे कोंडा गांव शहर बसा है
कोंडागांव शहर इसी नदी के किनारे बसा है, दिख रहा है कोंडागांव, ठीक। बोर्डिंग, बोर्डिंग भी कोंडागांव से निकली है, बोर्डिंग, बोर्डिंग नदी कोंडागांव से निकली है, बोर्डिंग, एग्जैक्ट जगह पर बोला नहीं है, बोर्डिंग भी कहां से निकली है, कोंडागांव से। नेक्स्ट लिखो गुडरा, गुडरा, गुडरा ये अबूझमाड़ से निकली है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, कहां पे अबूझमाड़ की पहाड़ी, नारायणपुर, कहां पे है, नारायणपुर। सबसे ज्यादा बारिश होती है अबूझमाड़ में, ठीक है, अबूझमाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो अबूझमाड़ से गुडरा नदी निकली है, अबूझमाड़ से गुडरा नदी निकली है, अबूझमाड़ से गुडरा नदी निकली है। अबूझमाड़ से गुडरा नदी निकली है, ठीक है, और ये बारसूर में आके मिल जाती है। बारसूर एक दंतेवाड़ा में जगह है, बारसूर, देखो बारसूर, दंतेवाड़ा में एक जगह है बारसूर, बहुत फेमस जगह है, बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे, एक गणेश जी की मूर्ति देखे होगे तुम लोग, सुने होगे, ठीक है, बहुत सारे मंदिर है बारसूर में, पढ़ेंगे उसको आप लोग हिस्ट्री में। बारसूर, बारसूर में आके मिल जाती है गुडरा नदी, ठीक है। निब्रा, नेक्स्ट निब्रा, निब्रा, निब्रा नदी अंतागढ़ से निकली है, अंतागढ़ कहाँ पे है, हाँ कांकेर, कांकेर, अंतागढ़ कहाँ है, कांकेर, तो कांकेर से कौन सी नदी निकली है, निब्रा, कांकेर से कौन सी नदी निकली है, निब्रा, तो ये भी इंद्रावती में जाके मिलेगी, ये भी इंद्रावती में जाके मिलेगी, समझ रहे हो, ये भी इंद्रावती से जाके मिलेगी, ठीक। अब सबसे फेमस, सबसे फेमस नदियों में आ जाओ, डंकनी, शंकनी, पहले डंकनी के बारे में लिखना, डंकनी, पहले डंकनी के बारे में लिखना, डोंगरी क्षेत्र, डंकनी, सर राइट लेफ्ट तो बोलते हैं, देखने का तो जहां से निकली है वहां से फेस करते हैं, तो डिवाइड करते हैं क्या, जैसे बोलते हैं ना ये इंद्रावती नदी की दाहिनी राइट साइड, हाँ बोल सकते हो, अब ये इंद्रावती, हाँ इस तरफ ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं उत्तर की ओर से आने वाली नदी, नॉर्थ की ओर से आने वाली नदी, साउथ की ओर से आने वाली नदी, तो अभी तक हम लोग नॉर्थ की ओर से आने वाली या राइट साइड वाली नदी देखे, नॉर्थ की ओर से आने वाली बोल लो, नॉर्थ की ओर से आ रही है ना ये, और ये इसके नीचे क्या है, साउथ, तो इसमें ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डंकनी शंकनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आया आज महेश, वो और अच्छा बताता है इसके बारे में। डंकनी जो है वो डोंगरी क्षेत्र से निकली है, डोंगरी क्षेत्र, डोंगरी क्षेत्र, दंतेवाड़ा, दोनों नदी दंतेवाड़ा से निकली है, डोंगरी क्षेत्र, और शंकनी जो है, शंकनी जो है कौन सी पहाड़ी पढ़े थे हम लोग, बेलाडीला, बेलाडीला, इस बेलाडीला की ऊंची चोटी कौन सी थी, नंदीराज, तो इस नंदीराज से आपकी कौन सी नदी निकली है, शंखनी निकली है, नंदीराज से कौन सी नदी निकली है, शंखनी निकली है, वही कहे ना ये महेश बेलाडीला का, तो बेलाडीला में नंदीराज चोटी से कौन सी नदी निकली है, शंखनी नदी निकली है, शंखनी नदी निकली है, और ये शंखनी नदी सबसे पॉल्यूटेड रिवर है, कौन सी नदी है ये, सबसे पॉल्यूटेड, छत्तीसगढ़ की सबसे पॉल्यूटेड, क्यों होगी सबसे, लॉजिक लगाओ, इंडस्ट्री है यहाँ पे, किरंदुर विरंदुर बहुत सारी जगह है, आयरन की इंडस्ट्री है यहाँ का, आयरन ओर मैंने बताया था विशाखापट्टनम जाता है, उच्च कोटि
इसका आयरन ओर मिलता है हमको यहाँ पे, तो इसीलिए इसका जो कलर है एकदम रेड दिखेगा तुमको, आयरन के कारण रेड कलर दिखेगा, लाल। कैसा कलर है? लाल दिखेगा एकदम। हाँ, नदी का कलर लाल दिखेगा बिकॉज ऑफ आयरन जो है आपका लाल, ठीक है, आयरन ओर के कारण, आयरन इंडस्ट्री है यहाँ पे बहुत सारी, इसीलिए इसका कलर भी आपको लाल दिखता है। बहुत पॉल्यूटेड रिवर है, बहुत पॉल्यूटेड रिवर है। कौन सी? शंकनी, ठीक है। इसी डंकनी शंकनी नदी के किनारे एक फेमस टेंपल है आपका दंतेश्वरी मंदिर। कभी जाओगे बस्तर घूमने तो यहाँ जाते ही आते हैं लोग दंतेवाड़ा में, ठीक है। यहाँ पे डंकनी शंकनी के किनारे कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर है। समझ पा रहे हो जी? कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर है। ठीक ठीक। अब देखो चितावागू तालपेरू जाने जरूरत नहीं है, दोनों बीजापुर से ही निकली हैं, और ये भी आके किस में मिल जाती है तुम्हारी? गोदावरी। शबरी में आ जाओ, शबरी में आ जाओ। शबरी कहाँ से निकली है? कोरापुट क्षेत्र से। कहाँ से निकली है? कोरापुट क्षेत्र में नंदपुर पर्वत से। कहाँ से निकली है? नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र से कौन सी नदी निकली है? शबरी। कौन सी नदी निकली है? शबरी, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? कोलाब। लिखो प्राचीन नाम कोलाब, प्राचीन नाम कोलाब। नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र। अब दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसकी दो सहायक नदी है, एक कांगेर और एक मुंगाबहार। कांगेर नेशनल पार्क सुने हो? कांगेर नेशनल पार्क, ठीक है, बस्तर में जो है, ठीक है। ये कांगेर नेशनल पार्क कांगेर नदी के किनारे है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? शबरी। और एक जो नदी तुमको दिख रही मुंगाबहार, वहीं कहाँ जाना कभी नेशनल कहाँ भी घूम, कोई नहीं गया यहाँ से? गए तो शुभम नहीं गए घूमने? घूमते भी नहीं हो यार, पढ़ते भी नहीं हो, घूमते भी नहीं हो, मोबाइल चलाओ बस, रील बनाओ, ठीक है। तो अब जो अगर आप वहाँ जाओगे तो एक तरफ आपका वहाँ पे एक गुफा है, ठीक है, लाइमस्टोन कुटुमसर गुफा, ठीक है, और वहीं पे आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल भी है, ठीक है। तीरथगढ़ वाटरफॉल आपका कौन सी नदी पे है? मुंगाबहार नदी पे है। हाँ हाँ, नीचे ही में है, झीरम घाटी दरबा घाटी इसके नीचे आ जाती है, ये दरबा घाटी झीरम घाटी, ये इधर इसकी, ये देखो ये कांगेर घाटी दिख रहा है, ठीक है, इधर दिखा देता हूँ फिर मैं आगे, ऑनलाइन वालों को भी दिक्कत ना हो। हाँ ये देखो कांगेर घाटी दिख रहा है भाई, यही कांगेर नदी। ये देखो कुटुमसर गुफा, चूने पत्थर की गुफा है, लाइमस्टोन की। यहाँ से आप नीचे जाओगे, इधर इस एरिया में दरबा घाटी और झीलम घाटी है। दरबा, ये देखो दरबा करके दिख रहा है, ये दरबा इधर झीलम, यहीं पे तुम्हारा अटैक हुआ था, 13 मिनिस्टर कांग्रेस के, उदय मुदलियार जो थे एक, ठीक है, और एक महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ के बस्तर के टाइगर बोलते थे जिनको, ठीक है, इन सब की डेथ हुई थी यहाँ पे, ठीक है। 2013 की बात है सर, 2013 की बात है, ये 25 मई की बात है सर, 25 मई, ठीक है। नक्सलाइट अटैक हुआ था, बहुत खतरनाक अटैक हुआ था, तब तो थे ना तुम लोग, ठीक है, तो उस टाइम यहाँ पे अटैक हुआ था, तो बहुत सारी जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी उसकी डेथ हुई थी यहाँ पे, नक्सलाइट अटैक हुआ था। कोर रीज़न है ये, नक्सलाइट का कोर रीज़न है दरबा घाट, ठीक है। तो बाइक से घूमने मत चले जाना यहाँ, ठीक है, यहाँ खड़े होकर रील मत बनाना रोशनी, ठीक है। तो ये कांगेर घाटी है, कांगेर नदी पे कुटुमसर गुफा है, ठीक है, और यहीं पे आपका ये देखो तीरथगढ़, ये देखो यहीं पे तीरथगढ़ दिख रहा है, बस्तर में तीरथगढ़, ये तीरथगढ़ जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे है? मुंगाबहार में तीरथगढ़। ये देखो चित्रकूट इंद्रावती पे, सब बस्तर में भाई, बहुत बस्तर बहुत अच्छी जगह है,
अगर छत्तीसगढ़ में कहीं घूमना है तो बस्तर जाओ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर कहीं घूमना है, 3-4 दिन का प्लान है तो बस्तर जाओ, ये सारी जगह घूमो, चित्रकूट, ठीक है, कांगेर घाटी, कुटुमसर गुफा, तीरथगढ़, ये सारी जगह घूम ले। इधर दंतेवाड़ा चले जाओ, बारसूर, दंतेश्वरी माता मंदिर, ये सब पूरा घूम लो, पूरा एरिया। इधर से आगे चले जाओ, अरकू वैली होते हुए विशाखापट्टनम चले जाओ, ठीक। आकाश सर से पूछो, वो तुमको पूरा ट्रिप प्लान करके बता देंगे, ठीक। तो ये मुंगा बहार में कौन सा वाटरफॉल है? तीरथगढ़। ये भी पहले क्वेश्चन आते थे, तीरथगढ़ जो वाटरफॉल है कौन सी नदी पे? मुंगा बहार। मुंगा बहार कांगेर शबरी की सहायक नदी है, और शबरी नदी पे क्या होता है? नेविगेशन होता है। छत्तीसगढ़ में एकलौती नदी है जहाँ पे क्या होता है? नेविगेशन होता है, ठीक है, नेविगेशन होता है। ठीक है, आई बात समझ में? कांगेर में नदी में के पास क्या है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। यहीं पे भैंसा दर्रा करके एक वो है, भैंसा दर्रा क्रोकोडाइल, वहीं पे जाओगे तो भैंसा दर्रा पढ़ा है, पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा आगे। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कांगेर नदी पे है, वहीं पे भैंसा दर्रा, भैंसा दर्रा, नहीं भैंसा दर्रा। देखो छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारी जगह है ना, पता कर रहे हैं, और ये एरिया में तो अभी भी पता कर रहे हैं, क्योंकि कोर रीज़न है नक्सलाइट का ये, ठीक है, कोर रीज़न है, पता चला पता करने का है और उड़ा दिया वहाँ पे, ठीक है। हाँ, भैंसा दर्रा जो है वहाँ पे प्राकृतिक रूप से नेचुरली क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। अब ये मत लिख के आना भैंसा दर्रा में भैंसा मिलता है, ठीक है, भैंसा दर्रा में क्रोकोडाइल मिलते हैं भाई, क्रोकोडाइल नेचुरली, क्रोकोडाइल भैंसा दर्रा, भैंसा दर्रा कांगेर नदी पे है। हाँ हाँ, ओ का से नाम है उसका, लिखाऊंगा उसको, डिस्ट्रिक्ट पढ़ाते समय बताऊंगा, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये हमने देखे, शबरी नदी भी कहाँ जाके मिलेगी? गोदावरी से मिलेगी। तो ये था अपना पूरा क्या, गोदावरी अपातंत्र, ठीक है।